असलम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस, आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो जो गियर जर्क्स लगते हैं आपकी गाड़ी के, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो उस टाइम पे, और जब गाड़ी आप ट्रैफिक लाइट पे किसी खड़े हो या सिग्नल स्विच करें। कार अब स्टार्ट है और मैं इसकी हैंड ब्रेक रिमूव करने लगा हूँ, अभी हटाने लगा हूँ, और गाड़ी लेट्स सी आगे जाती है पीछे जाती है। गाड़ी थोड़ा सा जर्क देती है, जैसी कार पेट्रोल से बैटरी भी स्विच होएगी अभी तो गाड़ी जर्क देगी। आई होप आपको आवाज आ जाए इसके अंदर। वेट कर रहा हूँ फॉर द बैटरी, फॉर द कार टू स्विच टू बैटरी। इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा साथ कि गाड़ी करती क्यों है, और ये नॉर्मल चीज़ है इस कार के लिए, क्योंकि ये जर्क मारा है गाड़ी ने, जर्क मार के गाड़ी ईवी पे स्विच हो गई है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह जब ईवी से जाती है पेट्रोल इंजन पे, फिर उस टाइम भी जर्क देती है गाड़ी। ये कार का इस तरह बिहेवियर क्यों है, क्योंकि कार जब स्विच करती है तो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर भी इंगेज हो आती है इन ड्राइव और इन पी, दोनों में इलेक्ट्रिक मोटर भी इसकी इंगेज हो आती है। उसकी वजह से गाड़ी जो है थोड़ा सा आगे पीछे मूव करती है। इस गाड़ी के लिए नॉर्मल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आपके क्लच कोई स्लिप कर रहा है या कोई इस तरह का मसला और हो गया आपकी गाड़ी में, ये दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, ये गाड़ी करती है इस तरह, और आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको एक सडन जर्क फील होता है गाड़ी में, जिस तरह की गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली आगे चलेगी, थोड़ा सा झटका जो लगता है अगर आप पार्क में हो या अगर आप ड्राइव में हो। ड्राइव में आपने ब्रेक लगाई हुई हो, गाड़ी थोड़ी सी आपकी, यूजली पार्क में ही होता है, ड्राइव में नहीं होता। वो उस वक्त होता है कि व्हेन द इंजन पावर्स इलेक्ट्रिक मोटर टू चार्ज द बैटरी, जब इंजन इलेक्ट्रिक मोटर को चार्ज करने के लिए अपना रेवोल्यूशन स्टार्ट करता है, या इलेक्ट्रिक मोटर जो है जब वो ऑन होती है आपकी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर भी मूविंग पार्ट है, तो उस टाइम गाड़ी थोड़ी सी आगे जाती है। और ये एक बेसिकली एक सेफ्टी मेजर है, थोड़ी सी प्ले होती है इसके अंदर। अगर बिल्कुल टाइट होएगा तो फिर उससे ट्रांसमिशन डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर गाड़ी आपकी आगे जा रही है तो फिर कोई मसला नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। और गाइस, अगर आपकी गाड़ी इस तरह कर रही है तो प्लीज़ इस तरह ना करना कि आप उसको गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाएं फजूल में, और इस तरह काम करवाना शुरू कर दें ब्रेक का, ABS का, या गियर का, या गियर ऑयल चेंज कर दें इसका, गियर ट्रांसमिशन फ्लूइड, क्योंकि गाड़ी का कोई मसला नहीं है। ये गाड़ी इसी तरह बनाई गई है कि ये थोड़ी सी आगे हुए, इस तरह मूव करे आगे, क्योंकि प्ले जो होती है गाड़ी की वो ट्रांसमिशन के अंदर उन्होंने इस तरह खुद रखी गाड़ी के अंदर, क्योंकि अगर नहीं होती तो फिर गाड़ी का ज़्यादा नुकसान होता है। और गाइस, ये थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।